हम इस वक्त खड़े हैं भिवंडी के नज़दीकी टोल नाके पर। ये टोल नाका भिवंडी से होते हुए वाड़ा मनोहर की तरफ नेशनल हाईवे को जुड़ता हुआ ये रोड है, और इस रोड पर आज से टोल शुरू हो गया। इस यहाँ पर टोल बाइक्स, रिक्शा और मोटर व्हीकल सभी गाड़ियों का इसमें यहाँ पर टोल लिया जा रहा है। हाँ, लगभग पूरे महाराष्ट्र में कई आंदोलन हुए टोल बंद होने के लिए, उसके बावजूद भी आज एक बड़ा सुप्रीम कंपनी की तरफ से यहाँ पर एक टोल नाके का उद्घाटन का कार्यक्रम होने जा रहा है। महाराष्ट्र में एक टोल और बढ़ गया। हम देखते हैं कि इस टोल से होने वाले गाड़ियों का कितना रेट है और कितने लोगों को बजट के बाद कितनी तकलीफें आने वाली है। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कंपनी ने जो टोल रेट यहाँ पर लागू किया है कार, जीप और टमटम के लिए, वो 25 रुपये से लेके, और लाइट मोटर व्हीकल को 45 रुपया, ट्रक, बस और दूसरी गाड़ियों के लिए 90 रुपया, और बड़ी गाड़ियों के लिए 125 और 200 रुपये तक यहाँ पर रेट लागू किया गया है। इतनी महंगाई में इस रेट को और बजट के बाद अब लागू किया गया है, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि आज अभी महाराष्ट्र में फिर से एक बार टोल भिवंडी वासियों को, और अहमदाबाद से नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ ये टोल है, तो इससे इस कंपनी को और इस टोल का सरकार को भरपूर फ़ायदा होने वाला है। तो इस बार एक बार फिर टोल का रेट बढ़ गया है। भिवंडी से चैनल 1 के लिए अमृत शर्मा।